हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको पर्स बनाना सिखाऊंगी। इसमें हमने एक नई तरह के नॉट का इस्तेमाल किया है। मैं आपको आज ये नॉट लगाना सिखाऊंगी और इस टाइप से हम पर्स बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बेसिक्स ऑफ मेक्रम में मैंने आपको ये थ्री टाइप्स की नॉट लगाना बताई थी। अब मैं फोर्थ टाइप की नॉट लगाना आपको सिखाऊंगी। इस नॉट का इस्तेमाल हम पर्स बनाने में करेंगे। ये देखिए, इस टाइप से रखिए। अब हमारी ये वाली डोरी को हम इसके ऊपर से क्रॉस करते हुए इधर लेकर जाएंगे। ये देखिए, इस डोरी के नीचे आना चाहिए ये वाली दो डोरी। अब इसके ऊपर से लेंगे, इस डोरी के ऊपर से, अब इसके नीचे से, ये जो डोरी हमारी इधर आ रही है इसके ऊपर से हम क्रॉस करते हुए इधर निकाल लेंगे इसको। ये देखिए फ्रेंड, इस टाइप से हमारी नॉट लगेगी। इसको हम अब धीरे धीरे टाइट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी नॉट कंप्लीट हो चुकी है। इस नॉट का इस्तेमाल हम पर्स बनाने में करेंगे। आइए हम पर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 7 इंच की दो रिंग, बीट्स चाहिए हमें। यहाँ मैंने हार्ट शेप के बीट्स लिए हैं, आप कोई से भी अपनी चॉइस से ले सकते हैं। लाइटर चाहिए, कैंची चाहिए और हमें ग्रीन कलर के स्टोन का एक पैकेट चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ ग्रीन कलर इस्तेमाल करा है तो मैंने ग्रीन कलर के ही स्टोन लिए हैं यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 2.5 मीटर की 22 डोरी इसमें ऐड की है, यानी 2.5 मीटर की 22 डोरियाँ ली है मैंने और इसमें ऐड की है। मेरे नए व्यूअर्स को मैं डोरी अटैच करना बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह से 2.5 मीटर की डोरी लीजिए, उसको दो भागों में डिवाइड कर लीजिए और उसको इस तरह से अटैच कीजिए। मैंने इसमें 22 डोरी अटैच की है 7 इंच की रिंग में। और हमारी जो दूसरी सेकेंड पार्ट बनेगा पर्स का, पिछले साइड से, उसमें हम 22 जोड़ी अटैच करेंगे दूसरी रिंग के अंदर। अब हम यहाँ से नॉट लगाना स्टार्ट करेंगे। जो सिंपल वाली हमारी फर्स्ट नॉट है वही हम यहाँ पर लगाएंगे। ये सभी तैयार हो गई, सभी बेल्ट, ये 11 बेल्ट हमने बना के तैयार कर लिए। सभी में 5-5 नॉट्स लगाई हैं। अब इसमें हम बीच वाले जो दो डोरी है उसमें हम बीट्स लगाएंगे। ये देखिए, दो डोरी है, एक इस साइड से लेंगे, एक इस साइड से। इस तरह से हम पूरी लेयर में यहाँ से वहाँ तक बीट्स लगा देंगे। हमने सभी बीट्स डाल लिए हैं। अब हम इसके नीचे दो लेयर नॉट्स की लगाएंगे। ये दो डोरी इधर छोड़ देंगे, उसके बाद में दो इधर की लेंगे, ये बीच की 4 डोरी ले लेंगे, बीट्स के आसपास की 2 डोरी लेंगे और हम इसमें नॉट लगाएंगे।
देखिए फ्रेंड्स, यह हमारा इतना पार्ट तैयार हो गया है। फर्स्ट प्रोसेस हमने करी, रिंग के अंदर डोरियाँ ऐड करी हैं 22 डोरीज। उसके बाद में हमने ये बेल्ट बनाए हैं, 11 बेल्ट बने हैं 5-5 नॉट्स लगा के। उसके बाद हमने बीट्स लगाए हैं, एक एक डोरी दोनों साइड के लेके बीच में बीट्स लगाए हैं। बीट्स लगाने के बाद में दो लेयर नॉट्स की लगाई है हमने। इसी तरह से मैंने ये पर्स का सेकेंड पार्ट भी तैयार कर लिया है, ये देखिए। अब हम इन दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। ये दो डोरी इसकी यहाँ छुटी हुई है और ये दो यहाँ पर है। अब ये दोनों सेंटर की दोनों डोरी के लेके हम यहाँ पर बीट्स डालेंगे। ये हमने यहाँ बीट्स डाल लिया फ्रेंड्स। अब हम ये हमारी एक एक डोरी और है, इसमें इसको लेकर नॉट लगा देंगे। यहाँ हमने दो लेयर बनाई है नॉट्स की। यहाँ पर हम दो डोरी इधर से लेंगे और दो ये लेकर यहाँ बीच में एक और नॉट लगाएंगे। इसी तरह से हम इस साइड भी करेंगे, ये दो डोरी लेके और यहाँ पर बीट्स लगाएंगे इसमें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम हमारे नॉट लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इस टाइप से मैंने आपको जो सिखाई है उसको क्रॉस करके उधर ले जाएंगे। दोनों नॉट्स के बीच की दो दो डोरी लेना है हमें और नॉट लगाना है। Thank you.
देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी एक लेयर यहाँ तक बन गई है पूरी। अब यहाँ से हम जो बीच का पार्ट है उसमें भी यहाँ पर नॉट लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा दोनों पार्ट अटैच होकर यहीं से ऊपर से बनते जाएंगे नीचे तक के। तो जो हमने यहाँ पर अटैच करा है इसको एक बीट से, और उसके नीचे हमने दो लेयर नॉट्स भी लगाई है। उसके बाद हमारी जो मेन नॉट है वो दोनों साइड से इस तरह से बनती जाएगी कि बीच में भी हम एक एक नॉट इधर की, एक नॉट इधर की लेंगे, और दोनों साइड से दो दो डोरी लेंगे और इसी तरह की हमारी नॉट लगा देंगे। यहाँ पर हमें पर्स के दोनों पार्ट बाद में अटैच नहीं करना पड़ेंगे, ऊपर से ही अटैच होकर साथ में बनते जाएंगे। इसी तरह से हम इधर से भी बना लेंगे। ये देखिए कि फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ये नॉट्स लगा के सब कंप्लीट कर लिए हैं दोनों साइड से। ये देखिए इस तरह से 10 लाइन हमने इसकी बनाई है नॉट्स की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब मैं इसको नीचे से आपको पैक करना सिखाऊंगी। देखिए ये हमारी सेंटर की जो नॉट है उसको हम सिंपल से एक नॉट लगाएंगे। अब इसको हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे। अब हम फ्रंट की ये दो डोरी लेंगे और बैक साइड की ये दो डोरी लेंगे और इसमें सेम इस तरह की नॉट लगाएंगे। इसको इस टाइप से टाइट कर देंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, एक नॉट यहाँ लग चुकी है। अब यहाँ पर ये दो डोरी फिर हम फ्रंट की लेंगे और दो डोरी बैक साइड की लेंगे और फिर से एक नॉट लगा देंगे। ये जो डोरी रहेंगी इनको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसमें हम पहले सिंपल सी ये वाली नॉट लगाएंगे। ये देखिए अब हम दो डोरी फ्रंट की लेंगे, दो बैक साइड की लेंगे और फिर से हमारी ये वाली नॉट लगाएंगे। इस टाइप से हम पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी नॉट लगा लेंगे और इसको नीचे से पैक कर देंगे। और ये जो डोरी हमारी बचेगी इसमें हम हमारी सिंपल सी इस टाइप से नॉट लगा के और अंदर इसको फोल्ड करते जाएंगे इस टाइप से अंदर। तो हमारा ये पूरा बैक का नीचे का हिस्सा पैक हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पर्स यहाँ से हमने कवर कर लिया है कम्प्लीट। इसको यहाँ से पूरे हमने ये इसी तरह की नॉट लगा कर पूरा इसको पैक कर लिया है। अब हम इसको केयरफुली पलट लेंगे। जो हमारी यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट्स थी वो मैंने कट कर दी है। अब हम इसे लाइटर की मदद से चिपका लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लाइटर की मदद से ये सारे कॉर्ड्स चिपका लिए हैं। ये देखिए, ये पूरा हमारा बैग यहाँ से यहाँ तक पैक हो चुका है। अब हम इसे वापस केयरफुली सीधा कर लेंगे। अब मैं आपको ये रिंग कवर करना बताऊंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने एक रिंग कवर कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से करना है। 2.5 मीटर की एक डोरी हम कट करेंगे और उसको यहाँ से हम ऐड करेंगे। इसमें एक नॉट लगा दीजिए सिंपल वाली, ताकि आपका डोरी इधर उधर फिस लेना। फिर हम इसे लाइटर की मदद से यहाँ से चिपका देंगे। इस तरह से हम पूरी रिंग को कवर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा कंप्लीट रिंग। अब इसे हम इस साइड से फिर से अटैच कर लेंगे यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स, इस पर्स के अंदर मैंने इसे वाइट बीट्स से डेकोरेट किया है। आप कौन से भी कलर के बीट्स ले सकते हैं और डेकोरेट कर सकते हैं पर्स को, और आप इसका बेस इस टाइप से भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये डिफरेंट टाइप से इसका बेस बनाया है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही ईजी टेक्निक बताई है। आप इस टाइप से भी इसका बेस बना सकते हैं। अब मैं आपको इसके सबसे लास्ट स्टेप इसको डेकोरेट करना बताऊँगी। यहाँ मैंने ग्रीन कलर के बीट्स लगाए हैं। मैंने यहाँ ग्रीन कलर के स्टोन लिए हैं। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे।